हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, है ना, डेट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स वी आर स्टडीड इन आर लास्ट लेक्चर। नाउ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो है वो भी उसमें भी उनमें भी सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब कि दो डिफरेंट अपोजिट सेक्सेस आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स। लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। ऑल ऑफ अस नोन दैट आवर बॉडीज चेंज एज वी बिकम ओल्डर। यू हैव लर्न द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी, है ना, इन ऑलरेडी द प्रीवियस क्लासेस। We notice that our heights get changes continuously from early age till now. We acquired teeth, we have even loosened the old ones, so called the milk teeth, and acquired the new ones, है ना। तो इस तरीके के अलग अलग जो changes हैं वो हो रहे हैं। All of these changes that can be grouped under a general processes of the growth, मतलब there is a growth in the body, ठीक है, but in the early teenage year, teenage years, a whole new set of the changes occurs that will not be explained by a simply body enlargement. Instead, the appearance of the body changes, its proposition changes, its new features appears, and so do new sensations. मतलब कि समय के साथ साथ ह्यूमन बींग्स एक ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ना ही सिर्फ ऐसे अपियरेंस होने वाले चेंजेस, इंटरनल चेंजेस आर ऑल्सो देयर। अ लॉट ऑफ इंटरनल चेंजेस टेक्स प्लेस एज द टाइम पासिस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। बोथ आर द इम्पॉर्टेंट बोथ आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्शन टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन्स यूज द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें सेक्शुअल मैच्योरेशन की ज़रूरत होती है। इट इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ अ जर्म सेल, दैट इज द एग, ठीक है, जिसको हम ओवा भी बोलते हैं इन फीमेल, एंड द स्पर्म इन द मेल, ठीक है ना। एंड दिस पीरियड ऑफ द सेक्शुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड द प्यूबर्टी, जो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले बोला प्यूबर्टी। ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में अलग अलग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं जो पूरी तरीके से प्रॉपर डेवलप्ड होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द मेल जर्म, जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं, टेक प्लेस इन द टेस्टिस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। टेस्टिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। Actually, a pair of the testes are located inside the scrotum situated outside the abdominal cavity. Testes are located at the scrotum, which is situated at the outside of the abdominal cavity. It means to keep the relative, जो scrotum है abdominal cavity के outside portion में, इसका ये इसलिए required है because it maintains the low temperature as of the body temperature for the formation of sperm by the testes. Moreover, testes releases a male sex hormones. एक sex hormone भी testes के through release होता है जिसको हम बोलते हैं testosterone, ठीक है। testosterone के functions हैं कि it regulates the production of the sperms and brings about the changes in the appearance which are generally seen in the boys at the time of the puberty, ठीक है। The sperms along with the secretion of prostate glands and seminal vesicles together constitutes semen, which is released and made to enter into the female genital tract during the copulation. मतलब कि जो main reproduction की process है, during that process, जो sperm है, along with the secretion of prostate glands, there is a secretion of prostate glands in the sperm as well as in the as well as seminal vesicles. They together constitute a fluid liquid which is called the semen, which is releases by a male into the female genital tract during the sexual intercourse or the
कॉपुलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल्स विच आर जनरली कॉल्ड एज द एग्स आर मेड इन द ओवरीज। ओवरीज वाले पोर्शन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज वाला पोर्शन है उसमें एग्स का प्रोडक्शन होता है। अ पेयर ऑफ विच इज लोकेटेड इन बोथ ऑफ द एबडोमिनल। देन व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन्स थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स। जब भी कोई फीमेल होती है उसमें बाय बर्थ इमेच्योर बहुत सारे जो एग्स हैं वो ऑलरेडी इट कंटेन्स, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरेटिंग। जैसे जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे एग्स मैच्योरेशन स्टार्ट होता है तो वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। एट अ टाइम वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ विद बाय द ओवरीज। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। एग जो है ओवरीज से वॉर्म तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब। दीज टू फैलोपियन ट्यूब्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द यूट्रस, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो ये फैलोपियन ट्यूब है जिसको हम ओविडक भी बोलते हैं, ठीक है। ये ओवरी है, ये इससे अटैच रहती है फैलोपियन ट्यूब से और ये जाती है कहाँ, यहाँ। ये क्या है, यूट्रस दैट इज द वॉर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द यूट्रस ओपन्स इनटू द वैजिना थ्रू द कर्विक्स। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट होता है। द फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं जिनको हम जायगोट बोलते हैं, 2N इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पर टू न्यूक्लियस जो होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ये सिंगल एन प्लस सिंगल एन कंबाइन होके बनाते हैं 2N, ठीक है। तो 2N जो होते हैं जायगोट्स के वो इम्प्लांटेड होते हैं कहाँ पर, यूट्रस की लाइनिंग में, और स्टार्ट होते हैं डिवाइड होना। एक्चुअली यूट्रस इज रिची सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। यूट्रस में बहुत अच्छा ब्लड का जो है सप्लाई होता है जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, जो न्यू बॉर्न ग्रो कर रहा होता है, वो उसको प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड हो। इफ जायगोट इज नॉट फॉर्म द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स विच कॉजेज ब्लीडिंग थ्रू द वैजिना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैंसुरेशन विच यूजली ऑकर्स इन द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ एवरी 20 days इन द फीमेल्स, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फॉर द फ्रॉम द मदर्स ब्लड। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है मदर्स के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू। एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में जो एम्ब्रियो होता है उस प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सरफेस एरिया होता है जो कि ग्लूकोज और बाकी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं, उसको पास होने में हेल्पफुल होता है। सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव टू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। इसी तरीके से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है जो एम्ब्रियो के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एम्ब्रियो मतलब कि जो न्यू बॉर्न होने वाला है उस एम्ब्रियो के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर में आकर रिलीज होता है। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमेटिक कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। आफ्टर द 9 months दैट इज द 36 weeks ऑफ द डेवलपमेंट इन साइड द मदर्स वॉर्म्स इट इज सो कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जो 9 months पीरियड होता है, ठीक है ना, 36 weeks का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है दैट इज टर्म्ड एज द गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। द सेक्शुअल साइकिल इन द वुमेन कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ 45 to 50 years। आफ्टर डेथ द ओवरी डू नॉट गेट रिलीज एग। मतलब कि देर इज अ एज लिमिट फॉर द रिलीजिंग ऑफ एग। दिस स्टेज इज कॉल्ड द मेनोपॉज। इट इज ऑल्सो मार्क्ड एज द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इन द वुमेन, ठीक है। ये था रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साइकिल इन द ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट हमने जो पढ़ा वो वॉट इज द रोल ऑफ द मेल्स। इसके बाद जो हमने पढ़ा व्हाट इज द रोल ऑफ द फीमेल्स इन द एंडाइट साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल चेंजेस से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। फर्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन। इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी।
इट कैन बी अचीव्ड बाय द फिजिकल बैरियर, सर्जिकल मेथड्स और द केमिकल मेथड्स। ठीक है, फिजिकल मेथड की अगर हम बात करें, फिजिकल बैरियर की बात करें, तो इट प्रिवेंट्स द यूनियन ऑफ द मेल, इट इट प्रिवेंट्स द यूनियन ऑफ द स्पर्म्स एंड द एग। जब स्पर्म्स और एग्स के बीच में कुछ भी यूनियन, मतलब कि कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इट अवॉइड्स द प्रेगनेंसी। यूजेस ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिकल एलिमेंट्स, ठीक है, फिर सर्जिकल मेथड्स, ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन इन द वैसोटॉमी। द वेस्ट डिफेंस ऑफ द मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर। फिर टुबेक्टोटॉमी, द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट द एग टू रीच द यूट्रस। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पोर्शन गेट्स द ब्लॉक सो डैट इट डज नॉट रिमूव द पर्टिकुलर जर्म, मतलब कि पर्टिकुलर गैमेट डज नॉट गेट ट्रांसफर। ठीक है, कॉपर्टी और द लूप इज प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। इसके बाद केमिकल मेथड्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस, है ना, जिससे कि एग रिलीजिंग की जो प्रोसेस है डेट गेट स्टॉप्ड। ठीक है, इसके बाद हेल्दी सोसाइटी नीड्स अ बैलेंस सेक्स रेशियो डेट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग द पीपल टू अवॉइड द मेल प्रैक्टिसेस फ्रॉम लाइक द फीमेल फेटिसाइट्स और द प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब कुछ होते हैं अलग अलग STDs डेट आर कॉल्ड द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लाइक द वायरल STDs डेट इज HIV एंड द एड्स, और सम अदर द बैक्टीरियल STDs लाइक द स्पिल्स और द गोनोरिया। STDs जो होते हैं ड्यूरिंग सेक्शुअल कॉन्ट्रैक्शन दे गेट द कम्युनिकेट। ठीक है, सो वी हैड फिनिश्ड आवर चैप्टर, है ना, हमारा चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें हमने वेरियस टॉपिक्स जो हैं डिस्कस किए कि सबसे पहले तो व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अ रिप्रोडक्शन एंड हाउ डू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म गेट रिप्रोड्यूस्ड। देन देयर इज़ अ टू डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट मतलब कि यूनिसेल्यूलर रिप्रोडक्शन, मतलब कि यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, मतलब कि सिंगली जो एक सेक्स ऑर्गन है उसी से रिप्रोडक्शन हो जाए, डेट इज़ द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें अलग अलग मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, लाइक विद द हेल्प ऑफ बडिंग, लेयरिंग, है ना, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डेट इज़ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स गेट रिप्रोड्यूस, है ना। इसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना। इसके बाद इन ह्यूमंस हाउ इट टेक्स प्लेस, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, so we had finished all the topics of our chapter, the exercise and the notes you will get soon. Thank you students.